हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले हम इसके मसाले को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 5 से 6 लाल सूखी मिर्च ली है, 2 इंच दालचीनी लिया है, 4-5 लौंग, 4 चम्मच धनिया सूखी हुई, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच जीरा। अब इन सबको हम रोस्ट करेंगे। अब इसे हम ठंडा करके इसका पाउडर दरदरा बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। अब इसमें 2 प्याज कटे हुए डालेंगे। अब इस प्याज को हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 2 टमाटर कटे हुए डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 और अदरक 1 इंच घस के हमने डाला है इसे। अब इसमें नमक डालेंगे और इसे गलने तक भूनेंगे। जब ये तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और जो मसाले हमने कूट के रखे थे उसे 4 चम्मच के करीब डालेंगे। अब इन सबको हम भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। इसमें 2 टमाटर को मैंने प्यूरी बना दिया है। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे 2 चम्मच के करीब। अब इन सबको हम भूनेंगे अच्छे से। अब ये तेल छोड़ने लगा, अब इसमें हम हरी शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, ये सारे सब्जियां क्यूब्स में कटी हुई हैं, टमाटर डालेंगे। अब इन सबको हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम पनीर डालेंगे कटे हुए, इसे भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये 1/2 कटोरी पानी है। अब इसे हम ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब ये रेडी हो गया, इसे हम सर्व करेंगे और हरी धनिया से इसे गार्निश करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।